हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आज एक टॉपिक लेने वाला हूँ। SBI अप्रेंटिस 2021 का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक बच्चे के दिमाग में अभी यही चल रहा है कि SBI अप्रेंटिस का पेपर कब होगा, कौन से डेट को होगा, कब होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसका खाली नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो चुका था और हम सब वेट कर रहे हैं इसका पेपर कब होगा। ठीक है, अभी देखिए 20 नवंबर को इसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म निकला था, 10 दिसंबर को उसका जो लास्ट पेपर था, उसका जो लास्ट डे था सबमिशन का फॉर्म का। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग वेट कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो देखिए मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है कि इसका पेपर कब हो सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि इसका पेपर जो होगा फेब एंडिंग में हो सकता है या फिर मार्च के स्टार्टिंग वीक में हो सकता है। ऐसा कंफर्म कोई बता नहीं सकता कि आपको इसका पेपर कब होगा, जब तक SBI अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना नोटिफिकेशन जारी ना करे कि इसका पेपर कब हो। ठीक है, तब तक कोई बता नहीं सकता कि पेपर इसका कब हो। ठीक है, लेकिन मैं आज ये टॉपिक काफ़ी लोगों का डिमांड थी कि इसके ऊपर कुछ टॉपिक डिस्कस करो सर, कि कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं SBI अप्रेंटिस के लिए, कौन से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज कुछ टॉपिक्स लाया हूँ, मैथ के हो गया, रीजनिंग के हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस से कुछ टॉपिक्स लाया हूँ जो इंपॉर्टेंट है इन SBI अप्रेंटिस 2021। ठीक है, काफ़ी ईजी फॉर्म में, काफ़ी ईजी रहेगा पेपर, बस इतना बता रहा हूँ, टॉपिक इतने भी कर लोगे तो काफ़ी आपका बेनिफिट रहेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर टोटल 100 मार्क का पेपर रहेगा, 100 मार्क क्वेश्चन रहेगा, हर एक सेक्शन को 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ टॉपिक्स लाऊंगा, टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स आप कर लोगे तो आप लोग का SBI अप्रेंटिस पेपर निकल जाएगा। अपन अच्छे से करिए, जैसे बताता हूँ मैथ का टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्वाड इक्वेशन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसके अंदर करीब 20-25 लेक्चर ले चुका हूँ, क्वाड इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, विद साइनिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बार ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता चुका हूँ, बार ग्राफ मतलब इन शॉर्ट डीआई के अंदर कैसे टॉपिक्स है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी टॉपिक्स बेसिक आपको करने पड़े तभी जाके आपको डीआई परफेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया, HCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी मैं लेक्चर ले चुका हूँ, खाली इसके एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कुछ टॉपिक्स थोड़े बाकी है वो भी मैं जल्दी ले लूँगा। सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक्स तो मैंने एकदम काफ़ी ज़्यादा लेक्चर ले लिए, कभी 60-70 लेक्चर्स जो रहेंगे वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक आप लोग कर लोगे तो आपका मैथ का टॉपिक कवर हो जाएगा एज पर SBI अप्रेंटिस। इतना ही टॉपिक कर लोगे तो आपका SBI अप्रेंटिस में 25 मार्क का जो पेपर रहेगा इसके अंदर, उसमें से एटलीस्ट 20 मार्क में इसी टॉपिक में से आने वाले। ठीक है, तो इतना टॉपिक भी कर लोगे तो आपको 20 मार्क्स परफेक्ट हो जाएगा आपके। ठीक है, तो उसी तरह रीजनिंग के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है देखते हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन हो गया, सिलॉगिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, विजुअल मेमोरी, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके अंदर वो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। 10 या 15 मार्क का तो सिटिंग और पजल ही आने वाला है। ठीक है, करीब 2 पजल रहेंगे मिनिमम और मैक्स टू मैक्स 3 पजल रहेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको करा चुका हूँ, सिलॉगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंट डायरेक्शन हो गया, उसके बाद ये सारे टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, मैंने इसमें लिखे नहीं, पर वो भी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रीजनिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं SBI अप्रेंटिस के अंदर। ठीक है, देखिए 3-4 टॉपिक है, उतना ही मेन करिए आपका पेपर निकल जाएगा रीजनिंग का। ठीक है, इसमें भी 25 में से अगर आपको 20 मार्क चाहिए तो इतने टॉपिक कर लो तो आपको 20 मार्क आ जाएगी। उसी तरह इंग्लिश से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूँ पर आपको बता सकता हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टेंस हो गया, वोकेबुलरी हो गया, एंटोनियम्स हो गया, ग्रामर्स, कॉम्प्रिहेंसिव, सिनोम्स, वोकेबुलरी, एडवर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंज द सेंटेंस, ठीक है, अनसीन पैसेज, ये सारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो SBI क्लियर का प्री का पैटर्न है वही सिलेबस रहने वाला है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या इसके अंदर हो गया, वो हो गया एग्जाम पैटर्न की तरफ, जो 25-25 का सेक्शन हो गया, लेकिन SBI क्लियर का पैटर्न कैसा 35-35-30 का है, तो यहाँ थोड़ा चेंजेस हो गया। प्लस यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया, GA और फाइनेंशियल अवेयरनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री और प्लस मीन्स एक सिंगल कॉम्बाइन जो पेपर होता है वो हमें SBI अप्रेंटिस के तौर पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में कौन से जो हमें करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बुक एंड ऑथर्स का जो है एक वन शॉट पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। स्पोर्ट्स का हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए लर्न करके रखिए, साइंस इनोवेशन, अवार्ड ऑनर्स, एब्रीवेशन, और मेन जो है 6 मंथ का करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स कर लोगे तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि 6 मंथ के करंट अफेयर्स एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन जो रहेगा वो करंट अफेयर बेस पर रहेंगे। अगर 25 मार्क का पेपर रहेगा उसमें से 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऊपर रहे तो आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है कि नहीं। अगर 25 का मार्क का जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जा रहा है तो उसमें से एटलीस्ट 15 मार्क अगर आप जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में निकाल लोगे तो आप लोगों का पेपर निकलने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना टॉपिक आप लोग समझ में आ गया, मैं क्या बता रहा हूँ, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश टॉपिक तो आप लोग समझ में आ गया कितना टॉपिक बता रहा हूँ। प्लस आप लोग को ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट रहेगी इसके अंदर, प्लस ग्रेड अप ने आप लोग को 10 मॉक टेस्ट फ्री दिए, सॉरी 10 मॉक टेस्ट नहीं, 2 ही मॉक टेस्ट फ्री दिए, प्लस 10 मॉक टेस्ट का सीरीज चल रही है ग्रेड अप के अंदर, वो एक बार ग्रीन कार्ड प्लस ले लो आप लोग, वो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए। डेली 1-2 मॉक टेस्ट दीजिए, आप लोग का खुद का एनालिसिस करिए और कितने स्कोर आ रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया, कैसा ईजी वे में आप लोग को समझाया मैंने एकदम, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। ठीक है,
ठीक है। तो SBI अप्रेंटिस का जो एग्जाम डेट है हमें कोई पता नहीं सकता आपको कि कब पेपर हो सकता है कब नहीं, बस इतना बता सकते हैं कि फेब के एंडिंग में हो सकता है क्योंकि 90% चांसेस, क्योंकि 8 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं और 8500 प्लस वैकेंसी है। तो एग्जाम चाहे 2 लाख दे या 3 लाख दे, पर SBI को तो कंडक्ट 8 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो उसी हिसाब से वो SBI अपना सोचेगा। तो ठीक है, सिंगल पेपर सिलेक्शन है, जिन लोगों को जॉब की काफी गरज है वो जॉब के लिए अप्लाई अच्छे से तैयारी करिए और इस जॉब को पा लीजिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।